ऐसा आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना। गहलोत जी हाँ, प्रेस वार्ता में सचिन पायलट पर क्या कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं सुना होगा कि कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा देश के सामने आ गया है, ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। सात साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जानना बड़ी बात है। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था, इस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूंसी करी थी, पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कहा गया कि आप हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं, अलग पार्टी, आप इस्तीफा देंगे आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे, और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी बिहार की तरफ कर लेंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल 34 साल 35 साल 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, ऐसा बहुत कम होता है लोगों को मिलता। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान की सरकार को टॉपर करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर, और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं लेके राज लेके आज राजस्थान के अंदर, वो तो राज की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो, हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था।